स्क्रीन शेयर। चलें जी, अपने मोबाइल को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ लें ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे। अच्छा, 140 हमने कर लिए थे, थोड़ा सा स्मॉल करें बस। ठीक है, मेरे ख्याल से अब सही है। ठीक है, ठीक है। बस सही है फोर्टी तक हो गए थे। जी, 140 तक हुई थे। तकरीबन इरम ने भी कुछ क्वेश्चंस शेयर किए हुए हैं, हम इनको भी साथ में थोड़ा सा देख लेंगे ताकि एक दफा सबको वो रिवाइज हो जाए। वो जो ग्रुप में इरम ने भेजे ना क्वेश्चन, वो भी ऑलमोस्ट यही वाले, ठीक है इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट वन करें। फोर्टी वन है कि कश्मीर इज थोड़ा सा ऊंचा एडमिनिस्ट्रेटिवली बोलेंगे, डिवाइडेड थोड़ा सा इन ऊंचा बोलेंगे फोर क्योंकि पार्ट। ग्रुप वाले जो लोग हैं इनको आवाज चली जाए सही से। मैं लाउड ठीक स्पीकर, है। अपना स्पीकर भी आप पूरा कर देती हूँ। चल कश्मीर जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड हुआ है फोर पार्ट्स के अंदर। ठीक है। हाँ, और डिवीजन के लिहाज से तीन पार्ट्स है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ, डिवीजन थ्री डिवीजन। फोर है। वो आजाद आजाद कश्मीर की बात हो रही है कि जो आजाद कश्मीर है ना। एक सेकंड में बुशरा को एंटर कर दूँ, एक मिनट। चलें बस, वो ज्वाइन कर लेंगी, आ जाएगा ज्वाइनिंग में। ठीक है। हाँ, स्क्रीन ही घूम गई। ओके, हाँ ठीक है। हाजी पीर की जो हाजी पीर जो पास है, इसकी जो हाइट है वो है 8500। ठीक है, आठ एट हजार थाउजेंड पांच यानी सौ 500। हाँ, 8500। केटू लोकेट कर रहा है बल्तिस्तान के अंदर। ठीक बल्तिस्तान, है, गिलगित बल्तिस्तान, बल्तिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक है केटू। ठीक है। नाबाग गंगा चोटी जो है वो भारत के अंदर है। में हाँ, ये हमारी अपनी ये गंगा दस चोटी मशहूर, हजार फीट की और बिल्डिंग इसकी हाइट है। है हाँ 10,000 फीट हाई। अब मेरा यहाँ और दिल कर रहा जो है कि नांगा पर्वत है, सुने सुने बाद में, मेरा यहाँ दिल कर रहा है कि हम सब लोग एक ट्रिप पे अरेंज करते हैं, चलते हैं गंगा चोटी देखाते हैं 10,000 फीट की बुलंदी पे। हाँ मैंने नहीं देखी अभी तक। सही मैंने भी नहीं, अरेंज करें। ये मानने वाले मान जाए ना बीच में जो, और बाकी सारे हैं। हाँ वही ना। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट है, नांगा पर्वत कहाँ पे पाई जाती है? तो ये है जी द्यामर, दयामीर में। द्यामर, दयामीर में। ठीक है। अच्छा, ये गैशर रूम है आई गेस। ये गैशर गैशर रूम किसकी जो भूमि, हाइट है, 26,000, ये चोटी है 26,470। बस ये खुद ही और द हो इंडियन सकता हेल्थ, हाँ, द इंडियन हेल्थ जम्मू कश्मीर रिटेन्स अ स्पेशल स्टेटस विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन। है। यानी कि जो इंडिया को पाए जम्मू कश्मीर था, इसको एक खसूसी हैसियत हासिल थी कौन से सेक्शन के अंदर? तो वो है 370। ठीक है, और इसी से रिलेटेड ये है कि 5 अगस्त को इसी सेक्शन के थ्रू जो स्पेसिफिक जो थी ना इसकी, ये जम्मू कश्मीर की जो वहाँ पे जो स्टेटस था वो खत्म कर दिया गया था, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना कर्फ्यू लग गया था। तो उसी हाँ के हाँ एक्ट में हाँ ये जो बिल्कुल, ये रिसेंट थ्री 5 अगस्त सेवेंटी को आर्टिकल थ्री मैं सेवेंटी इसको उन्होंने खत्म वो किया किया था। था, ये इसको रिमूव किया था। गवर्नर ऑफ इंडिया हेल्थ कश्मीर इज अपॉइंटेड बाय द इंडिया प्रेसिडेंट। यानी कि जो इंडियन हेल्थ कश्मीर के अंदर जो गवर्नर बनाता है उसको इंडिया का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कश्मीर आर नॉमिनेटेड फॉर इंडियन लोकसभा? जैसे हमारा पार्लियामेंट होता है ना, इस तरह इंडियन की जो होती है वो लोकसभा होती है। तो उसके अंदर जो है 6 कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अच्छा सही है। हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कश्मीर आर नॉमिनेटेड फॉर इंडियन राज्यसभा? इनकी दो होती हैं, जैसे हमारी नेशनल असेंबली और सेनेट होता है ना, इस तरह इनके एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। तो दोनों में 6 6 हैं। लोकसभा में भी 6 कश्मीरी नॉमिनेटेड होते हैं और राज्यसभा में भी। बस सही है। व्हेन वाज पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस इन एजेके? तो एजेके के अंदर जो पार्लियामानी सिस्टम है
वो एक सेकंड मेरे को ऐड कर 1975 में. हाँ जी, ये है पहले वही मैं बता रही थी ना कि पहले सिद्धार्थी निजाम था ना, फिर पार्लियामानी निजाम आया था 1975 के अंदर. ठीक ठीक है, है, हु इंट्रोड्यूस डेमोक्रेटिक सिस्टम इन एजेके. तो एजेके के अंदर जो एच डेमोक्रेटिक सिस्टम खुर्शीद. था वो के एच खुर्शीद ने इंट्रोड्यूस किया, वही फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट जो हैं. ठीक तो है, कायदे आजम कितनी बार कश्मीर का विजिट कर चुके हैं? 4 टाइम्स. चार और अलामा हमने अलामा इकबाल इकबाल टू कितनी बार टाइम पढ़ा था? अलामा टू इकबाल टू टाइम्स टाइम जून में और अगस्त में, 2 दफा आए थे कंजेक्टिवली, यानी एक दो महीनों के गैप से. हाँ. और कायदे आजम ने 4 टाइम्स कश्मीर को विजिट किया था. और लास्ट टाइम जो कायदे आजम ने कश्मीर विजिट किया था 1944 के अंदर. मिनट, आप लोग अपने माइक. अच्छा, कोई कुछ कहना चाह रहा है? मैंने कहा ब्यूट पे लगे हैं, फोन लगा आज आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही फातिमा, क्लास स्टार्ट कर चुकी है, आवाज में लाउड स्पीकर ऑन है. सही है, मुझे उसकी आवाज नहीं आ रही. मैं करीब कर देती हूँ माइक के. फातिमा बोले, देखें इनको आवाज आ रही है? इन हाउ मेनी यूनाइटेड स्टेट अब जम्मू आ एंड रही है कश्मीर आपको इज आवाज? डिवाइडेड एट प्रेजेंट? उनको बोले चले, ऑडियो ज्वाइन करें ना तो फिर आएगी. आ रही है? बस ठीक है. मुझे तो लिंक सही आ रही है, बिल्कुल क्लियर. नहीं, यहाँ से ये तो हम देख रहे हैं. जूम वालों को नहीं, जूम वालों को नहीं, ये यहाँ से ग्रुप कॉल जो है मोबाइल पे, जो लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है. चलें आप स्टार्ट करें, आगे स्टार्ट करें. कायदे ठीक है. आजम की, कायदे आजम लास्ट टाइम विजिट किया था कश्मीर का, वो 1944 में किया था. ठीक है. ठीक है. और हाउ मेनी यूनिट स्टेट जम्मू एंड कश्मीर इज डिवाइडेड एट प्रेजेंट? तो वही है कि 4 यूनिट्स में जो है स्टेट जम्मू एंड कश्मीर डिवाइड हुआ है. हाउ मेनी असेंबली सीट्स आर देयर इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर? ये बात देखें कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर सीट्स 53 हैं और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की असेंबली की सीट्स 87 ठीक है, है. ठीक है, ठीक एट्टी हो गया. सेवन वट वॉज द नेम ऑफ स्टेट असेंबली बिफोर पार्टीशन? तो पार्टीशन से पहले जो स्टेट असेंबली थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था जम्मू कश्मीर प्रजा सभा. पारजा सभा. ठीक है. व्हाट इज द स्टेट हाँ, असेंबली बिफोर पार्टीशन? असेंबली बिफोर पार्टीशन यानी कि तकसीम से पहले जो है ना जो असेंबली थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था जम्मू कश्मीर प्रजा सभा, पारजा विच इज सभा. कॉल्ड कश्मीरी साइबर्स. कश्मीरी साइबर्स किसे कहते हैं? तो वो जो आपके व्यवसाय के जो फील्ड्स है ना उनको कहा जाता है कश्मीरी साइबर्स. ये दियोसाई के कहाँ है फील्ड्स? ये व्यवसाय ये बहुत मशहूर है, ये कश्मीर में ही है. अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता. चलें आगे चलते हैं. हाँ जी. वाई हानकाई मोहल्ला इज फेमस ड्यू टू? जो हानकाई मोहल्ला है वो किसकी वजह से मशहूर है? तो वहां पे है कि सैयद अली हमदानी सेंटर ऑफ प्रीचिंग, यहाँ पे यानी कि उन्होंने अच्छा, बहुत तबलीग की थी सैयद अली हमदानी जो थे, इसलिए ये खानकाह मोहल्ला मशहूर है. ठीक है. ठीक है. वाई पांडो एंड हाजी पीर आर फेमस? तो पांडो और हाजी पीर इस वजह से मशहूर है कि यहाँ पे इन पहाड़ों में जंगें लड़ी गई थी, फॉर फाइट्स इन देयर माउंटेन्स, यानी कि इनके पहाड़ों में जो है ना जंगें लड़ी गई थी. हाजी पीर और पांडो की कोई जगह है आई गेस. ठीक Why did revolution take place in silk industry, श्रीनगर? तो ये revolution का I don't know कि क्या meaning है. रिविलेशन का मीनिंग क्या होता है? टेक प्लेस इन सिल्क इंडस्ट्री Take place in श्रीनगर. silk industry, श्रीनगर. ये मेरे तो यहाँ 1924 झड़प rebuilding झड़प यानी कि है. दोबारा से बनाई गई हो शायद, ये नहीं, silk industry दोबारा बनी गई हो. Rebuilt, rebuild से लिख रहा है ना, revolution take place in silk industry, श्रीनगर. अभी एक्चुअल में मैं भी नहीं चेक कर सकती, इसलिए कि मेरा जूम की विंडो पूरी स्क्रीन वो रिकॉर्डिंग में लगी है ना. चले ठीक है, ये मैं बाद में चेक करके फिर बताती हूँ. ठीक है, अभी मैं वो ले रही हूँ ना, मैं बाद में आपको चेक करके बताती हूँ. रिबिल्ट इसका ठीक ये नहीं कि सिल्क इंडस्ट्री श्रीनगर का जो है वो 1924 में रिबिल्ट हुई थी. और टोटल एरिया जो है मंगला डैम का गार्डन कितना का है? 100 स्केल. 100 स्क्वायर माइल्स. ठीक है. और वेन वाज कश्मीर कमेटी फॉर्म? तो कश्मीर कमेटी बनी थी 1932 के अंदर. ठीक है, हु वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ सब कॉन्टिनेंट डिवीजन?
तो सब कॉन्टिनेंट की जब डिवीजन हुई थी तब जो कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर था वो था जनरल जंग सिंह डोगरा, डोगरा साहब, डोगरा ठीक है, साहब। डोगरा था। कश्मीर सॉलिडेटरी डे इज ऑफर्ड एनुअली ऑन 5 फरवरी को, कश्मीर सॉलिडेटरी डे जो है ना, सॉलिडेरिटी डे बनाया जाता है 5 फरवरी ये को। मेरे ख्याल में और ये वाला एनटीएस में आया हुआ था ना, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे, हाँ आया इस हुआ था बार मेरे का पास। डेट क्या था? आए तो बताओ ना, वो बैठे हुए हो आराम हाँ से। ये ये आया वाला था था। ये आया हुआ था क्वेश्चन। और हमने जो पीछे पढ़ा था कि 13 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, 13 जुलाई मार्चर्स डे, ठीक है, मर्ट्राय, हाँ योम शोधा, 13 जुलाई। मार्चर्स डे योम शुहदा मनाया जाता है। और हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस ईयरली फ्रॉम मंगला डैम में, जो है ना सालाना अगर देखा जाए तो 1500 मेगावाट बिजली पैदा होती है, पंद्रह ठीक है। सौ मतलब सीधी सीधी बात है, 300, 400, 500 नहीं, हजारों की बात है। हाँ ईयरली बात है ना, अब देखिए मंगला डैम हाँ से पूरे कश्मीर को लाइट मिल रही है। हु इज कॉल्ड द फाउंडर पिछली ऑफ बार जो एक प्रेजेंट क्वेश्चन आया स्टेट। हुआ था, पिछली बार एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मट्टी का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तो मट्टी का पूछा हुआ था, तो फिर मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, लेकिन लड़कियां करी थी कि मंगला डैम पिछली ओ, बार का। मट्टी का डैम इसलिए ना कि उसको तामीर नहीं किया गया, यानी वो टोटली जो अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर सारा एग्जिस्ट कर रहा है नेचुरली, हाँ ठीक ठीक हाँ बाकी डैम बनाए जाते हैं ना इसलिए। फिर नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ प्रेजेंट स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है तो इसका जो फाउंडर है उसका नाम है गुलाब सिंह, यानी हरी सिंह भी नहीं, अलामा इकबाल भी नहीं, और गुलाब सिंह कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर की बात है तो इसका जो फाउंडर है वो गुलाब सिंह है। मतलब कि सीधी सी बात है कि कश्मीर को गुलाब सिंह ने बनाया था। हाँ फेमस बुक जो है गुलाब नामा वो लिखी गई है दीवान किरपरम ने, और ये गुलाब किरपरम, नामा भी पर्शियन में लिखी गई थी क्योंकि काफी अरसे तक जो है ना पर्शियन लैंग्वेज कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ये भी हमें दोबारा से ठीक है। रिवाइज हो गया है। हाउ मेनी प्रेजिडेंट ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर आर बरेड इन मुजफ्फराबाद, यानी कि मुजफ्फराबाद के अंदर कश्मीर कितने जो प्रेजिडेंट्स दफन दफन है वो होंगे। 3 है, ये हमसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था। हाँ कि मुजफ्फराबाद में कितने जो है ना प्रेसिडेंट कश्मीर के बरीड है, तो वो वो 3 कौन कौन है? है, ये एक में हासे कैच खुर्शीद है और बाकी का नहीं पता। चलो बाकियों चलो देख लें। को बाद में ढूंढेंगे। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ आजाद कश्मीर फ्रॉम मीरपुर, मीरपुर से जो आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम लिखें तो वो है जी अली अहमद शाह। और अगर इस तरह से आ जाता है कि अब्बासपुर से जो कश्मीर के वजीर आजम है उनका नाम बताएं, बिल्कुल अब्दुल कयूम नियाजी। बिल्कुल सही आंसर है जी, अब्दुल कयूम नियाजी, ठीक है। इस तरह कुछ भी पूछ सकते हैं ना रैंडम। नेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद, और मुझे ये बताएं जो पाकिस्तान का वेट लिफ्टर ओलंपिक्स में हार गया था उसका नेम क्या है? वेट लिफ्टर, हाँ वेट लिफ्टर, जिसने वेट लिफ्टिंग का मुकाबला वो किया था और उसमें वो फोर्थ नंबर पे आया था, पाकिस्तानी कौन सा नहीं लड़का? मुझे नाम, ये नाम भूल गई, बता दे। उसका नाम है तलहा, आगे मुझे पूरा नाम नहीं आता, उसका नाम तलहा है। और आज जो ओलंपिक्स के फाइनल में हमारा अरशद पाकिस्तानी हारा है, अरशद अरशद पता नहीं क्या। वो जूलियन जो होता है ना थ्रो, उसके अंदर वो हारा है, हाँ इंडिया 5th नंबर पे है, इंडिया से हार गए, इंडिया जीत गया और हम हार गए। हाँ इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट है ना। हाँ इंडिया ने गोल्ड मेडल ले लिया ना तो हम लोगों को नहीं मिला, हम लोगों का यही एक फाइनल में पहुंचा था बेचारा, तो वो भी नहीं ले कोई सका, बात नहीं, पहली बात है खैर। वहां तक जो पहुंचा है उसकी बड़ी हिम्मत। हाँ यही बोल रहे। नेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर फ्रॉम मीरपुर, मीरपुर से देखे हमने दो अहमद चीजें पढ़ी, अली, एक तो अहमद मीरपुर शाह, के अली अली अहमद शाह। अहमद, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद, पीटीआई के जो बनते बनते रह गए, क्या चीज है, ठीक है। क्या बनते बनते रह गए? ये वजीर आजम बनते बनते रह गए ना, हाँ, वो तो है। वजीर नॉमिनेट ना, तो फिर इनको नहीं, उनको फिर उन्होंने नॉमिनेट कर दिया था, ठीक है। ये दो थे प्राइम मिनिस्टर, ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद और प्रेसिडेंट अली अहमद शाह।
तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद को क्यों कह रही हैं? हाँ उनको क्यों कह रही कि वो तो रह गए हैं ना, वो बने तो नहीं है ना, वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम मीरपुर है, वो मीरपुर से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे ना, तो अभी भी जो है ना कि वो पीटीआई के जो थे ना सबसे बड़े वही थे ना, उनको ही बनना था, लेकिन उनके अपने क्लैशेस की वजह से फिर इन्होंने तीसरे बंदे को उठाया। नहीं तो मुझे ये बताएं कि बैरिस्टर महमूद पहले भी प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है? हाँ पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अच्छा ये बात मुझे नहीं लेकिन पता। पहले पहले पीटीआई के नहीं थे, पीटीआई इन्होंने थोड़ा सा पहले ज्वाइन की थी, पहले ये किसी और से बने थे, शायद अच्छा मुस्लिम सही है, कॉन्फ्रेंस से, पता नहीं कोई और चलो पार्टी। वो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो सामने लिखा हुआ मुझे पता। हाँ, व्हेन वाज फर्स्ट जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन हेल्ड? तो जम्मू कश्मीर इलेक्शन जो असेंबली के जो इलेक्शंस थे वो हुए थे 4 अगस्त 1934, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर असेंबली की बात कर रही है, 4 अगस्त 1934। जम्मू कश्मीर 1934, जब फातिमा जम्मू पैदा हुई कश्मीर थी 1934। कौन? फातिमा जब पैदा हुई थी 1934 में फातिमा? तब जी मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूँ यार, क्या हो गया, डोगरू के दोस्ती हो। हाँ हाँ चले चले, आप कोई तो किसी से लिंक करे ना, आपको माइंड में बात रह जाए। हाँ सही है। जम्मू सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब। बैंक के बैंक में जो जम्मू सिटी है वो लायका है, ठीक है, और श्रीनगर सिटी जो है वो झेलम के बैंक पे है, अच्छा और मुजफ्फराबाद सिटी जो है नीलम और झेलम दोनों के जो है ना जंक्शन पे, बैंक पे, ठीक है, चिनाब के बैंक पे जम्मू सिटी है, और झेलम श्रीनगर के साथ झेलम के बैंक पे, श्रीनगर है। और मुजफ्फरबाद पता है कि नीलम और झेलम दोनों के इनमें से भी दो कोई क्वेश्चन आया ही था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ था, पता नहीं कौन से इस बैंक तरफ के कुछ पास। आते हैं क्वेश्चंस। और जो कोटली सिटी है वो हमारा पुंछ रिवर के बैंक में है, अल्लाह, पूंछ और रिवर मेन भी है सिटी कोई? हमारा ये है, किधर है, ये हाँ रिवर हाँ कहाँ से बहता है? ये कौन सा वाला दरिया है पुंछ, हाँ ये है उस साइड अब कौन वाली साइड पे, से और ये दरिया, कोटली कौन सा वाला? रानी हान अभी तक इंटर इन द वेटिंग रूम, एक मिनट का एडमिट कर, कौन आया है? रानी हान कोई है पता रानी हान को एंटर नहीं, ऑन। चलो आगे चलो, हो गई है मेरे ख्याल से, हाँ हो गई है शायद, है बस ठीक है ठीक है। आगे। कहाँ पे चले गए थे आज मुझे हम, YouTube पे हाँ किसी का चलो क्या मैसेज आया कि मुझे भी इस क्लास में शामिल करें। अच्छा सही, तो फिर आपने किया? नहीं तो अभी तो नहीं किया। अच्छा, जो कोटली सिटी है वो भी पुंछ के बैंक पे लाई करता है, और पुंछ सिटी भी जो है ना पुंछ के बैंक पे, ये दरिया जो पुंछ है इसके में लाई करता है, ठीक है, और जो रिवर झेलम और रुको जो रुको पुंछ रुको है वो रुको, मुंद्रा डैम समझ में, नहीं आई दोबारा। ऊपर 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 वापस पूंछ वाला दोबारा। पूंछ हाँ सिटी इज मैं ये कह रही लोकेटेड हूँ ऑन द बैंक कि ऑफ जो पूंछ। पूंछ कोटली सिटी बस पूंछ के कोटली रिवर और पे आता है, तो कोटली भी पुंछ पूंछ पे दरिया, है। ठीक है हाँ कोटली भी पुंछ, आगे। ठीक है, और रिवर झेलम और जो पुंछ है ना वो मंगला डैम में मंगला जाके डैम मिलते में हैं। गिरते हैं जी, मंगला में। डैश सीज आर रिजर्व फॉर रिफ्यूजीज सेटल इन बारह पाकिस्तान बारह लेकिन ये हमें असेंबली याद है, ये में, हमने पहले पढ़ा था ना, हाँ 12, रेफ्यूजी बारह से। स्प्रिंग वैली नाग जो हाइट है 6,000 है, लेकिन स्प्रिंग वैली नाग का हम कुछ और पढ़ के आए थे, मुझे बताएं, वैली वेरी नाग, नाग का हम कुछ पढ़ के आए थे, ये मुझे नहीं याद आ रहा नाग ये क्या। कुछ हम नहीं पढ़ के आए थे कि झेलम रिवर का ओरिजिन जो है वो वैली नाग है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नाग वाला बिल्कुल, जेहलम का ओरिजन। झेलम बहुत नाग है, और इस तरह हमने लिंक किया था। हाँ और इसकी जो हाइट है वो 6,000 है, ठीक है, अगेन इनने यूनिट वगैरह नहीं लिखी हुई लेकिन चले 6,000 हम याद कर लेंगे। डैश वॉज फर्स्ट लेडी मेंबर ऑफ एजे के असेंबली, तो राजा एजे के है, असेंबली में जो पहली मेंबर थी वो है बेगम राजा हैदर हान, ठीक है, ठीक है, हैदर अली से याद रख लें, हैदर अली से। ये दोबारा से वही आ गया है कि 12 सीट्स हैं एजे के असेंबली में। ठीक फिर है। है टीथ कि मिलियन ऑफ ईयर अगो अंडर विच सी टीथ, लैंड ऑफ दांत कश्मीर वाज दांत बोर्न, समुंदर, दांत समुंदर।
समंदर के बीच में जो है ना ये छुप गई थी आजाद कश्मीर, ये जो कश्मीर की लैंड. क्या मतलब मिलियन ऑफ ईयर रखो, अंडर विच सी लैंड ऑफ कश्मीर वाज हिडन. ये जो यहाँ समंदर था, ये आपने कश्मीर की अगर पढ़े ना ओरिजिन, आपको ये बताया जाता है कि पहले समंदर पाया जाता था. अच्छा, वो कहीं खुश हुआ तो बाद वादी निकली. और इस तरह की इसकी भी काफी सारी, एक मैंने बुक पढ़ी थी ना उसमें काफी सारी इसकी कहानियां थी कि कश्मीर लेकिन कैसे बना. मतलब यहाँ का जो समुंदर था उसका नाम था दान समुंदर, वो खा भी जाता है. नहीं नहीं ये टीथ नहीं, ये टीएफ है, टीएफ टीएफ इसका कितना क्या मीनिंग होगा. ओए हमने तो रिलेट करना है, हमको क्या टीएफ हो या टीथ हो, वही हम पढ़ के आए थे. ये भी पहले कि जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है वो कितनी वन से ज्यादा बड़ी है, ठीक है, लार्जेस्ट है इतनी इंडिपेंडेंट स्टेट से. स्टेट जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट फ्रॉम डैश कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन. और ये एरिया वाइज 111 से बड़ी है और पॉपुलेशन वाइज 135 बड़ी है. ठीक है 135 बॉर्डर लाइन है जो चाइना और कश्मीर की, वो कितने मील लॉन्ग है, तो वो 950. ठीक है, देखो देखो हमने जो पढ़ा था ना, एक 700 थी, एक 950 थी और एक पता नहीं कितनी थी. तो चाइना वाली बॉर्डर ज्यादा बड़ी थी, एक अफगानिस्तान, हाँ वो 950 चाइना वाली थी. हाँ तो जो 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 किससे है 950 तो चाइना से थी ना, जो इंडिया से है वो मेरे ख्याल से 700 इंडिया से थी, 700 पाकिस्तान के साथ थी, 700 पाकिस्तान के साथ थी, पाकिस्तान हाँ, और इंडिया के साथ भी थोड़ी कम थी, 300 समथिंग थी शायद, 300 समथिंग थी, और अफगानिस्तान के साथ 50 थी मुझे याद है. अच्छा, व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट एडेड द स्ट्रिप ऑफ वहान इन अफगानिस्तान, तो वहान कुछ शायद इंटर, ठीक है वो मैंने सोचा कोई एंटर हो रहा है, नोटिफिकेशन आया था लेकिन नहीं. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब वहान को अफगानिस्तान की जो स्ट्रिप बनाई थी, तो वो थी 1890 में बनी थी. ठीक है, ठीक है, यानी कि जो ये वाहन जो था ना, ये उसका एरिया था ना कश्मीर का, तो इसको अफगानिस्तान के साथ ऐड कर दिया 1890 के अंदर. इन विच माउंटेन रेंज K2 इज हाईएस्ट पीक ऑफ कश्मीर इज लोकेटेड, तो K2 से याद रखना कि K2 कराकोरम रेंज के अंदर है, के दोनों में कॉमन आ रहा है. ठीक है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है K2 कराकोरम रेंज की. Where Tarauchi Fort is located, और ये जो है Tarauchi Fort है कोई, ये कोटली में पाया जाता है, ये कोटली वाले यहाँ कोटली वाला कोई नहीं है हमारे साथ, नहीं कोटली वाला हमारी क्लास में कोई भी नहीं था. चलो आगे चलते हैं. गंगा चोटी की हाइट हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, 10,000 feet. जुजीला पास कनेक्ट करता है हाँ कश्मीर वैली को लद्दाख के साथ, जुजीला पास, ये उधर की बात हो रही है. ठीक है, टोटल एरिया देवसाई है 550, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना देवसाई फील्ड्स, हाँ तो देवसाई क्या फील्ड जाता है कश्मीर का, कश्मीर का क्या, साइबर्स ऑफ कश्मीर कहा जाता है देवसाई फील्ड्स को. तो उनका जो टोटल एरिया है वो 580 square miles. और बनिहाल काट रोड कनेक्ट करती है जम्मू को श्रीनगर के साथ, बनिहाल काट रोड जम्मू विद श्रीनगर. हु कंस्ट्रक्टेड शालीमार बाग इन श्रीनगर, जहांगीर. श्रीनगर के अंदर जो शालीमार बाग है वो जहांगीर, शालीमार बाग जहांगीर नहीं, कोहाला लाहौर का हो या श्रीनगर का हो. हाँ, कोहाला ब्रिज कनेक्ट करता है मरी को बाग के साथ, मरी एंड बाग. कोहाला ब्रिज और मंगला ब्रिज पढ़ा था दिन को, हमने पढ़ा था कि कोहाला जो ब्रिज है और मुजफ्फराबाद का जो डिस्टेंस है कितना है, 35 किलोमीटर. हाँ 35 किलोमीटर, जो कैपिटल सिटी मुजफ्फराबाद कोहाला में जो डिफरेंस है वो इतना है. अच्छा, कोहाला ब्रिज मरी और बाग को कनेक्ट करता है और मंगला ब्रिज मीरपुर और दीना को कनेक्ट करता है. ठीक है, मंगला ब्रिज मीरपुर और दीना, ठीक है समझ आ गया. और कश्मीर में जो है फोर सीजन्स ही होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में फोर सीजन्स है, कश्मीर में भी फोर सीजन्स है. और जो बुक है राज तरंगी,
राज तरंगी थी जो संस्कृत में लिखी गई थी, हमें ऊपर उसका नाम भूल गया था, जो कि पंडित ने लिखी थी। हाँ, राज तरंगी, राज ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे सबको क्लियर कर देते हैं ना, राज तरंगी बुक का नाम है, संस्कृत में लिखी गई थी और ये उसने लिखी थी किस पंडित ने, क्या उसका नाम था, पंडित ने लिखी थी, पंडित पता नहीं कौन सा पंडित याद आ रहा है मुझे अभी, पंडित कल्हान ही था शायद। ये तो उर्दू और पता नहीं एग्जैक्टली। हाँ, पंडित शायद कल्याण, कल्याण पंडित कल्याण नहीं लिखी है। हाँ, और इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया हुआ था ठाकुर आचार चंद ने। ये कैसा नाम है, ठाकुर आचार चंद, अचार से याद रखना, अचार से याद रखेंगे को अचार, अचार नहीं नहीं अचार से याद रखेंगे, अचार खाने वाला मजे का। हाँ, तो ये आज हमारे 200 आप फातिमा ऐसा करो ना, ऐसा करो रैंडमली ऊपर जाओ, बीच बीच में से कुछ रिवाइज कर देते हैं जिससे सारों को एक दफा रिवीजन हो जाए, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, ठीक है, रैंडम। ओके, नेशनल फ्लावर ऑफ कश्मीर आया था पेपर में, लिली 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 सही, ये और हाइड्रो प्रोजेक्ट, नीलम जेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट की क्या कैपेसिटी है, पावर कैपेसिटी। हाँ, अभी अभी हमने किसी और की भी पढ़ी है, 969 मेगावाट नीलम जेलम की है, और मंगला की कितनी है, मंगला की, मंगला की तो वो ईयरली पढ़ी थी ना, ईयरली कितनी है, मेगावाट नहीं, 1500 मेगावाट मंगला की, 1500 और नीलम जेलम वो ईयरली है ना, वो बस इसकी कैपेसिटी। हाँ, हमने दो क्वेश्चन देखने, ये जल्दी से सब लोग सर्च करें, प्राइम मिनिस्टर नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर का कौन है, ये कोई सर्च कर दे जल्दी से अगर है नेट तो, मेरे पास खुल नहीं सक रहा ना इसलिए मैं नहीं कर पा रही। हाँ, मैं चलो मोबाइल ओके, जब तक। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ एजी की एस्टैब्लिश हुई थी 1980 में। इसको किसी से रिलेट करते किसको, 80 में ये पता नहीं मुझे, ऐसी वैसे 1980 याद है, क्योंकि 1980 से मैंने कोई और कोई भी सन याद नहीं किया हुआ, तो यानी कि ये 1980 में बनी थी मुजफ्फराबाद की यूनिवर्सिटी। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, हाउ मेनी कश्मीरीज वर किल्ड इन 13 जुलाई 1931, 13 जुलाई को 22 कश्मीरी, इनकी याद में जो है ना मार्टियर डे सेलिब्रेट होता है, और ये 22 को ये हुआ था। और कैच खुर्शीद दफन अगर मुजफ्फराबाद में हुए तो पैदा किधर हुए थे, श्रीनगर में, श्रीनगर। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1939 में, और इसके बताएं प्रेसिडेंट के नाम बताएं, इसका जो प्रेसिडेंट था किसका, नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का, केज खुर्शीद, नहीं नहीं वो नहीं। शेख जो नहीं था, शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, हाँ, शेख अब्दुल्ला दो का हमने पढ़ा था ना, एक इसका भी था और एक और किसी का, कॉन्फ्रेंस आतिश चिनार का राइटर भी है ना शेख अब्दुल्ला। हाँ, और सियाचिन ग्लेशियर की जो एरिया है वो है 1000 स्क्वायर माइल्स, ठीक है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजेके की 10 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, अगेन चीफ जस्टिस और नहीं किसी ने एक मिनट सर्च किया, एजेके चीफ जस्टिस, जस्टिस नेम हाईकोर्ट, मोहम्मद शिराज कियानी, हाईकोर्ट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, करंटली मोहम्मद शिराज कियानी है, शिराज अपने क्लास फेलो से याद कर लेते ना, शिराज भाई जो हमारे क्लास फेलो थे, शिराज भाई से याद करते हैं, शिराज कियानी साहब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के, ये हाई कोर्ट और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अथर मिनल्ला,
अच्छा अथर मिनाला, ठीक हाँ, है अथर मिनाला है। और सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं जल्दी से, मैं जूम की मीटिंग में ठीक होने है, लगी है। सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं, ओके ओके। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एजेके का चीफ जस्टिस है चौधरी मोहम्मद इब्राहिम जिया। चौधरी मोहम्मद इब्राहिम जिया ठीक है, ये करंट है। करंट ही मेरे ख्याल से बता रहे हैं एजेके। सुप्रीम कोर्ट का इब्राहिम जिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का इब्राहिम जिया, और हाई कोर्ट का है कौन सा, क्या नहीं, शिराज शिराज, क्या, शिराज, ठीक, शिराज। शिराज क्या नहीं, ओके। और सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान का जल्दी से देख लेते हैं। रुके, ये भी आ सकता है ना, चीफ जस्टिस ऑफ ओबे पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौन है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस? गुलजार अहमद। गुलजार अहमद जो हैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और हाई कोर्ट के अथर मिनाला, और आजाद कश्मीर के शिराज जो कियानी है वो हाई कोर्ट के, और दूसरे कौन से हैं? और इब्राहिम, सरदार हाँ मेरे इब्राहिम। पास तो आ रहा कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट इज जस्टिस सदाकत हुसैन राजा। सदाकत हुसैन राजा है। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, अब फिर हम हाई कोर्ट के मेरे पास आ रहे हैं सदाकत हुसैन राजा, और सुप्रीम कोर्ट के आ रहे हैं जस्टिस चौधरी मोहम्मद इब्राहिम जिया। इब्राहिम जिया। अच्छा, इब्राहिम साहब से याद कर लेते हैं, इब्राहिम जिया जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, और दूसरे राजा साहब जो हैं वो किसके हैं? हाई कोर्ट के। सदाकत हुसैन राजा। ओहो, सदाकत हुसैन राजा ही कह रही हूँ मैंने, सिर्फ हाँ उनको राजा साहब कह दिया है तो क्या हो गया? बहुत सारे राजे रानी आ चलो जाते ना, भूल राजे जाते। रानियां याद रखें, देखना याद रह जाएगा। हाँ, ये क्रांति है अच्छा हाई कोर्ट। ठीक है, चले आगे। कारगिल वार कब स्टार्ट हुई थी? 8 मई 1999। 99। अच्छा, ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर के एच खुर्शीद, फर्स्ट इलेक्टेड यस प्रेसिडेंट। खुर्शीद। ये चौधरी गुलाम अब्बास क्या थे? और सेकंड अनसेक्रेटेड। हमने पढ़ा था कहाँ पे, ये जो था ना, और सेकंड वाले थे सरदार इब्राहिम खान। हाँ, सरदार इब्राहिम सेकंड थे, और कश्मीर सागा बुक जो सेकंड है वाले सरदार सरदार इब्राहिम इब्राहिम खान ने लिखी हुई है। खान। हाँ, इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर 13 जुलाई 1931 ऑब्जर्व्ड एज मर्टार डे। अभी पढ़ा था, रिटायर्ड डे। ठीक है, अगेन ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, कोई और कितना दे, टाइम रहता है मीटिंग एंड होने में? बस ये एंड हो जाएगी। ये पता नहीं मेरी 30 मिनट से अबव कैसे चलती है, हालांकि 40 मिनट से ज्यादा मेरी पता नहीं कैसे चलती है, हालांकि 40 मिनट मैक्सिमम रेंज होती है इसकी, टाइम ड्यूरेशन होती है वो पे करेंगे, इसके बाद से टाइम पीरियड ज्यादा हो जाता है ना, इसके लिए पे मांगते हैं वो। तो पेमेंट। मैंने मैंने तो नहीं पे किया कभी। वही ना, उससे ज्यादा फिर होती है, तो फिर इसलिए आपकी कट जाती है 40 मिनट्स तक। नहीं, मैं कह रही हूँ मेरी 40 मिनट से अबव चलती है। जो दिन को हमने सेशन रिकॉर्ड किया था 51 मिनट का सेशन रिकॉर्ड किया हुआ है। अच्छा, हाँ, पता नहीं फिर मेरी हाँ कैसे फिर, 40। हाँ क्योंकि वैसे 40 से अबव का पे करना पड़ता है मेरे ख्याल से, हाँ, जो फोर्टी से मैंने। अबव, 40 मिनट से अबव नहीं चलती शायद। मैं बहुत अरसे से और जूम ज्वाइन करती हूँ ना। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 12th August 1947, हमारी आजादी के 2 दिन पहले, पहले 12 अगस्त 1947, 1947। और शिमला एग्रीमेंट किस एलओसी के अंडर कश्मीर की बॉर्डर को वो किया गया था, एलओसी बनाई गई थी? हाँ, शिमला सीज फायर एग्रीमेंट। लाइन जो थी उसको कन्वर्ट किया गया था लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर। ओ, ये राज तिरंगी आ गया। राज तिरंगी वॉज रिटन बाय पंडित कल्हान, पंडित कल्हाना, कल्हान, कल्हाना। कल्हान है ये, कल्हाना नहीं है वैसे, कल्हान है, नीचे भी था ना। ठीक है।
वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो फातिमा वो जो हमने कश्मकश वाला कुछ पढ़ा था, वो क्या था कश्मकश वाला? कश्मकश बुक लिखी गई थी ना, किसने लिखी थी? पता गुलाम अब्बास ने। अच्छा गुलाम अब्बास ने लिखी थी कश्मकश? नहीं एग्जैक्टली मुझे भी नहीं याद, मैं भूल रही हूँ अभी। अच्छा चलें ऊपर चलें तो देखते हैं फिर, ऊपर कहीं होगा। और मोहे मुकद्दस कौन लेके आया था कश्मीर में? वो ख्वाजा नूरुद्दीन। देखिए ईसाई एक बिल्कुल चेंज सा नेम है, ये आएगा तो हम इसी ऊपर टिक कर देंगे, ठीक है? बस ठीक है ना, ईसाई बिल्कुल ईसाई डिफरेंस है, नूरुद्दीन याद रखें। ईसाई और नाइटिंगेल कश्मीर बोलेंगे, शीन शीन की साउंड आएगी ना, ईसाई। हाँ ईसाई ईसाई बिल्कुल बिल्कुल ईसाई। और ये अबू अल मोरखिन इन कश्मीर हिस्ट्री, ये पंडित कल्हान, ये विच इज नाउन एज अबू अल मोरखिन, मुराखिन, अबू अल मुराखिन है। हाँ ये कश्मीर हिस्ट्री में पंडित कल्हान था, इसी ने राज तरंगी लिखी थी और संस्कृत में लिखी थी। ठीक है आगे चलें। ये मीरपुर वीएन की कितनी तहसीलें हैं? 11। और कश्मीर की 11। कितनी कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 10। और डिवीजंस हैं 3। ये कौन है? आफ्ताब अलवी? नहीं ये कुछ भी नहीं। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का कौन है? जल्दी से आप बताएं मुझे, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का कौन है? शिराज कियानी। और नहीं, बुशरा ने कुछ और बताया था ना, जस्टिस सदाकत हुसैन राजा। हाँ राजा, सॉरी मैं राजा साहब हैं, अब मुझे वही याद किया। सच्चा राजा यानी कि सदाकत हुसैन सच्चा राजा। हाँ ठीक है, सच्चा राजा हमारा जी हाई कोर्ट का। ठीक है, पर ये भी याद रख लेना, वहां सच्चा राजा ना ढूंढना शुरू कर देना, सदाकत ढूंढना। अच्छा भूलेगा नहीं ना। और सुप्रीम कोर्ट एरिया, टोटल एरिया जम्मू एंड कश्मीर 8447। रुको अभी, सुप्रीम कोर्ट का कौन है चीफ जस्टिस? चौधरी मोहम्मद इब्राहिम ज़िया। इब्राहिम साहब बस मुझे इतना ही पता है, इब्राहिम साहब। अच्छा क्या था अभी, क्या पढ़ रहे थे? जम्मू कश्मीर का टोटल एरिया, टोटल एरिया जम्मू एंड कश्मीर 84,400 समथिंग। नेशनल पोइट कौन था कश्मीर का? कश्मीर का महजूर। महपारा से याद रखना है सारों ने, महजूर है हमारा नेशनल पोइट। क्या लॉजिक है। स्पीकर ऑफ एजुकेशन असेंबली अभी चेंज हुए हैं। स्पीकर ऑफ एजुकेशन असेंबली अभी चेंज हुए हैं, सर्च कर लें प्लीज। अभी चेंज हुए लेकिन अभी बन गए होंगे। हाँ बन गए, हल्फ उठा लिया था ना उस दिन, उठा लिया सर उन्हें। अच्छा स्पीकर असेंबली है जेके, भूल गई ना। एजेके के स्पीकर असेंबली, स्पीकर डिप्टी स्पीकर 2020 अनवारुल हक पीटीआई। अगस्त को बने हैं। अच्छा ये डेट्स भी याद कर लेते हैं यार, सीधी बात है। लीडर ऑफ द हाउस सरदार अब्दुल कयूम नियाजी पीटीआई सिंस 4 अगस्त, ठीक है। और लीडर ऑफ अपोजिशन पीपीपी सिंस 4 अगस्त। और अनवारुल हक और मुझे ये बताएं आजाद कश्मीर की असेंबली का नाम क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। वेरी